अभी तक मैंने आपको यहाँ से ये शेप्स वाला बता दिया है एंड यहाँ से सिलेक्शन का टूल बता दिया, ठीक है। और टूल समझते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट आता है पेन टूल का पार्ट है। पेन टूल यानी कि फ्री फॉर्म आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें भी ध्यान रखना, अगर कोई सिलेक्टेड लेयर का काम है, इसके दो काम है बेसिकली, बताता हूँ मैं आपको। जैसे पहला क्या है, अगर आप नॉर्मल पेन टूल लेते हैं और यहाँ कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है अभी, हालांकि कुछ है भी नहीं यहाँ पे, तो जैसे ही हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ऐसे सिंपली शेप की तरह ट्रीट करेगा। इसमें कलर और जो बॉर्डर है वो काफी मोटा आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका स्ट्रॉकनेस वगैरह काफी ज्यादा है, तो वो अपने हिसाब से आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। कलर नहीं देना है, फिल कलर आपको हटाना है, तो इस पे कलर पे इसके साथ वाले पे क्लिक करेंगे जो फिल कलर लिखा हुआ है। अगर यहाँ कलर पे क्लिक करते हैं तो कलर के लिए ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको हटाना है तो फिल पे क्लिक करना, ठीक है। तो फिल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे नन का ऑप्शन आएगा, प्लस यहाँ पे साथ ही साथ और क्या क्या आ रहा है, आप ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं यहीं से ही। और जैसे ग्रेडियंट के दो टाइप है, एक लीनियर ग्रेडियंट है और ये रेडियल ग्रेडियंट है, ठीक है। तो आप यहीं से ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं, तो पूरा क्लोज करना पड़ेगा, कलर वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी नन कर रहा हूँ एंड ओके करेंगे, तो अभी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पाथ वगैरह आएगा, आउटलाइन आएगा। और जैसे ही हम कोई भी इसको बनाते हैं, जैसे इसको पूरा क्लोज कर दो आप, ओके क्लोज हो गया है, तो नीचे ना इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पे, एक तो शेप लेयर आ गया है इसका, ठीक है, प्लस यहाँ पे कंटेंट आ गया। कंटेंट मतलब उसके अंदर जो भी आपने बनाया है। मैं काम करता हूँ, इसमें मैंने ग्रेडियंट भी यूज किया था, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ और फ्रेश न्यू बना रहा हूँ। यहाँ से नल है, ठीक है, और स्ट्रोक में हमने इसको ले लिया लगभग 8 के आसपास। ओके, अब मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ अपना एक हैंडल को, बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं ऑल्ट के साथ में ना, आपको पर्टिकुलर एक हैंडल को सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए एक ही शेप बनाया हमने। और अब क्या होगा, जब आप शेप बनाते हैं तो यहाँ पे दो चीज आती है, एक आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आप उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी कि उसका पोजिशनिंग वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं, स्केलिंग सेट कर सकते हैं। और ध्यान रखना अब ये लिंक है, यानी कि आप हॉरिजॉन्टली करेंगे तो वर्टिकली अपने आप होगा। अगर आपको अलग अलग करना हाइट और विड्थ को, तो उसको अनलिंक कर दो। आप करेंगे तो अब यहाँ से सिर्फ विड्थ में होगा, और यहाँ से करेंगे तो सिर्फ हाइट में होगा, ठीक है। और लिंक होता है तो दोनों में एक साथ होता है। रोटेशन यानी कि रोटेट कर सकते हैं। अभी सेंटर पॉइंट इसका कहाँ है, यहाँ पे है, जिसके वजह से यहाँ से रोटेट हो रहा है। हम चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए या फिर यहाँ आ जाए, तो कैसे बनाया था, कैसे रोटेट करना है, ये प्रीवियस क्लास में बताया था। यहाँ से नेक्स्ट ये है पेन बिहाइंड टूल, पेन बिहाइंड टूल पे क्लिक करना है, तो इससे आप इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर सकते हैं, कहीं भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो मैनुअली भी रोटेट कर सकते हैं, या फिर इसकी मदद से भी रोटेट करेंगे तो देखना उस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली जनरली वो रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर पॉइंट हो गया, यानी कि इसका रोटेशन का हो गया। फिर ऑपोसिटी का हो जाएगा, यानी इसको ट्रांसपेरेंट करना है आपको, बिल्कुल ही गायब करना है, जीरो, ठीक है, तो दिखेगा ही नहीं, होगा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ट्रांसपेरेंट के लिए भी ध्यान रखना, जैसे प्रीमियर में तो ऊपर आता था, है ना, यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोलर पे आता था, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इफेक्ट कंट्रोलर पे आता है ऊपर, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सिलेक्टेड लेयर होती है, यानी कि जो भी लेयर होगी उसी के अंदर आता है। यानी देखा जाए तो हम हर एक लेयर का अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी आएगी और उसके अंदर कर सकते हैं। प्लस इसमें ये भी फायदा है, आपने जो भी सेट किया अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ रीसेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसा पहले था एज इट इज वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सारी यहाँ आ जाएगी। और जो यहाँ पे आता है ये एंकर पॉइंट, ये क्या होता है, यानी सेंटर पॉइंट। एक तो जैसा कि बताया मैंने, इस टूल की मदद से आप उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। दूसरा आप क्या है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, देखना। तो अभी क्या हो रहा है, सेंटर पॉइंट वहीं पे ही है, शेप जो है उसके हिसाब से कहाँ रखना है आपको, यहाँ रखना है, और ऊपर आपको रखना है तो इधर रखिए, इस तरीके से। इसमें देखा जाए तो सेंटर पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। अब आप सोचोगे एकदम पोजिशन से भी कर सकते हैं, बट पोजीशन से करोगे ना तो सेंटर पॉइंट भी चेंज होगा, देखना। अब अगर पोजीशन से करता हूँ तो क्या हो रहा है, साथ में सेंटर पॉइंट भी जा रहा है ऑब्जेक्ट के साथ साथ, है ना। वर्टिकली करेंगे तो ये जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट सेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटर पॉइंट, ठीक है। वैसे इजी रहता है ये वाला सेक्शन, पैन बिहाइंड से, पैन बिहाइंड से अपने हिसाब से मैन को आप रख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये है पैन बिहाइंड, और बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें और क्या आता है, नेक्स्ट आता है कंटेंट का सेक्शन। कंटेंट का मतलब होता है इसके अंदर जो हम बनाते हैं, जैसे मैंने शेप बनाया है,
तो उस शेप में मुझे वापस से सेट करना हो, वापस से मुझे कलर देना है, आउटलाइन कलर में सेट करना है या और चीज एडजस्टमेंट करना है, तो फिर कंटेंट में जाना, शेप में जाना, उसके अंदर जाना, ठीक है। उसके अंदर चीज आ, उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। सब यहाँ पे पहला था पाथ, ठीक है, यानी पाथ की सेटिंग आ गई। ये स्ट्रोक हो गया, यानी कि पूरा स्ट्रोक हो गया। अभी पाथ एक्स्ट्रा आ गया क्या? नहीं, ये वही पाथ है, ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये साथ में आएगा। और फिल, यानी फिल का कलर देना है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे जहां जहां भी ऐसे एरो दिया है ना, दैट मीन्स कि उसके अंदर आप और भी एडिट कर सकते हो, तो उसको आपने ओपन करना है, तो उसके अंदर और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर का सेक्शन आ गया है, क्या कलर देना है वो आप कलर यहाँ से दे सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं कलर पे यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इसका, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नन लिया था। तो अब आप इस केस में क्या कर सकते हैं, इस फिल को आप डिलीट कर दो सिंपली सेलेक्ट करके, ठीक है। हम इस पे नया फिल डाल रहे हैं। अब नया फिल कैसे डालेंगे, यहाँ पे एड ऑन का ऑप्शन आता है, ठीक है, एड ऑन पे जाना है और नीचे से यहाँ से फिल सेक्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अब अलग से फिल एक और आ गया है, आप उसको ओपन करें, अब जो भी कलर देना है वो यहाँ से फिर आप कलर दे दें, लाइक दिस, ठीक है। फिर ऐसे स्ट्रोक में आपको चेंजेस करना है, स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक का कलर क्या देना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, स्ट्रोक का कलर जो भी देना है वो दे दो, स्ट्रोक की ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, स्ट्रोक की विड्थ आपको बढ़ानी है कम करनी है, वो सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। और भी प्रॉपर्टीज है, चेक कर लेना थोड़ा सा क्या क्या है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब उसके जो कंटेंट होंगे ध्यान रखना है, आफ्टर इफेक्ट के अंदर हमें ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन की हो, कलर की हो, स्ट्रोक की हो, वो कहाँ आएगा, जनरली लेयर के अंदर आएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप कोई शेप भी बनाते हैं, सपोज अब मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, इस बार हम कोई शेप ले रहे हैं और ये मैंने इस तरीके से बना लिया। अब इसकी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आएगी वो देखो, अभी हुआ क्या कि जो मेरी लेयर सेलेक्टेड लेयर थी वो सेलेक्ट लेयर था, जिसके वजह से हुआ क्या, उसी के अंदर सब कंटेंट बन गया, ये रेक्टेंगल का अलग आ गया, शेप ही अलग है, ये जो शेप बना था वो ये है और ये जो रेक्टेंगल है वो ये वाला है। हम चाहते कि नहीं अलग लेयर पे आए, तो उसके लिए क्या बताया था कि किसी भी लेयर को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे अभी सेलेक्ट है तो अब मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर बनेगा, मैंने बाहर क्लिक कर दिया, डेट मीन्स कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है। अब हम जो भी शेप बनाएंगे तो वो अलग लेयर पे बन के आएगा, आप देख सकते हैं ये अलग से लेयर आ गया शेप टू का, ठीक है, ये इसका फायदा है। अच्छा अब जैसे वो गलती से हमारा उसके अंदर बन गया है तो आप उसी में रखना, इससे ये भी फायदा है कि हाँ वो एक साथ रहेंगे। तब ऐसा होता है कि हमें डिजाइन बनाना होता है और ऐसा हमें ग्रुप टाइप पर रखना होता है, हमें उन सबको एक साथ एडिट करना होता है, तो इसके अलग फायदे हैं कि अब आप इसको अलग से अपना अलग रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी देखा जाए तो जैसे मैंने इसमें दो चीजें बना दी, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो ये किस लेयर पे है, इस लेयर पे है, लेयर वन के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली चीज जरूरत है, वो ये कि जैसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन से हम करेंगे तो क्या होगा, दोनों ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब दोनों एक साथ जो है ना आपके स्केल वगैरह होंगे, ये देखो। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे इसको छोटा बड़ा करना है या इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, तो भी ऑप्शन है हमारे पास। ध्यान रखना जब कंटेंट के नीचे वाला ट्रांसफॉर्म होता है, अगर आपने मान लो एक से ज्यादा चीजें बना रखी है, जैसे सपोज हमने क्या किया, मैंने इसी लेयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट और बना दिया, सपोज यहाँ मैंने इस तरीके से और बना दिया छोटे छोटे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे जाऊंगा, मैं रोटेट वगैरह करूंगा, तो क्या होगा, ये सब एक साथ हो रहे हैं। कई बार मैं इसे बनाता हूँ, मोशन ग्राफिक बनाना होता है, वो डिजाइन बनाना होता है, तो मैं एक साथ एनिमेट करना होता है, तो वो एक ही लेयर पे रखना होगा आपको सारे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं अब मुझे इसको छोटा बड़ा करना है या इसको करना है इसको करना है, तो फिर क्या करना, नीचे वाले ट्रांसफॉर्मेशन में मत जाना, आपको कंटेंट वाले को ओपन करना है, ठीक है। फिर कंटेंट के अंदर जब आप जाओगे, ऐसे मान लो कि आपको ये एडजस्ट करना है इस वाले शेप को, तो शेप को सेलेक्ट करो और शेप को आप ना ओपन करना, शेप को एरो से ओपन करना, तो शेप के अंदर अलग से आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा एक और, ये रहा, ये शेप वाला ट्रांसफॉर्म है, शेप वन ट्रांसफॉर्म। अब इसमें अगर मैं स्केलिंग वगैरह करता हूं तो देखो क्या हो रहा है ना। अब यहां से अगर स्क्यू करेंगे तो सिर्फ ये होगा, रोटेट करेंगे तो सिर्फ ये हो रहा है। अब आप चाहते हो कि इस सर्कल को एडजस्ट करना है, ठीक है, तो उस सर्कल वाले लेयर पे आ जाओ, जैसे ये आपके एलिप्स में आएगा, एलिप्स कौन सा है चेक कर लो, एलिप्स थ्री ये है, आईज ऑफ करके आप चेक कर सकते हैं, एलिप्स टू ये है और एलिप्स वन ये वाला है, मुझे एलिप्स टू में एडजस्ट करना है मान के चलिए,
एलिक्स टू वाली लेयर ये वाली है, ठीक है, एलिक्स टू, इसको ओपन कर लो। अब इसके अंदर ही फील्ड वगैरह की प्रॉपर्टी है, प्लस इसकी अलग से ट्रांसफॉर्म ले रहा है, एलिक्स टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एलिक्स टू, ठीक है, तो इसको ओपन कर लो। तो अब यहाँ पे मैं जो भी स्केल वगैरह करूंगा तो किस पे इम्पैक्ट करेगा, सिर्फ सिर्फ इस पे इम्पैक्ट करेगा। तो मैं तो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको चीजों को एडजस्ट करने में, एनिमेट करने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर एक की अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी अलग होती है और पूरे की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी नीचे वाली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए अब इसका पेन टूल का मैं काम और बता रहा था आपको, इसको डिलीट करते हैं। तो जैसे कि पेन टूल हम यहाँ से लेते हैं तो इसमें और भी आते हैं, एड एंकर पॉइंट, एड वर्टेक्स, डिलीट वर्टेक्स, है ना। अब इनका काम क्या होता है, जैसे सपोज आपने पेन टूल से कुछ बनाया, ठीक है, ऐसे हमने एक बना दी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, बीच में यहाँ पे और भी पॉइंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। वैसे तो अभी देखा जाए ऑलरेडी अभी क्या हो रहा है, अगर पेन का आप देखोगे पेन के नीचे जो है यहाँ पे स्टार बना हुआ आ रहा है, पेन के नीचे साथ में लिखा हुआ आ रहा है ना, स्टार है। लेकिन जब मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ तो पेन टूल के साथ में क्या हो रहा है, प्लस का निशान आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वहां पे जो है पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर क्लिक करेंगे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, इससे फायदा ये रहेगा आप उसको एडिट कर सकते हैं। अभी तो इसी से काम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सेकंड वाला है ना ये ऐड का ही काम करता है, ऐड वर्टेक्स। इससे क्या फायदा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टेक्स ऐड कर पाएंगे, ठीक है, जहां जहां भी आपको एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट है वो ऐड कर सकते हैं। फिर एडिट करने के लिए आपको लेना होगा ये वाला सेलेक्शन वाला, ठीक है, शॉर्टकट की वी है इसकी, ठीक है। जैसे आपने मान लो पेन टूल लिया तो पेन टूल की शॉर्टकट की जी है, ठीक है। अब आपको वॉल लेना है तो वी प्रेस कर दो, सेलेक्शन टूल लेना है तो वी प्रेस कर दो। फिर इस तरीके से आपका काम इजी रहेगा, फास्ट हो जाएगा, आप एडजस्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है कोई पॉइंट ज्यादा है तो उसी के अंदर आता है डिलीट वर्टेक्स, इससे क्या होगा आप उस वर्टेक्स को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कहीं पर कोई एक्स्ट्रा ऐड होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कन्वर्ट वर्टेक्स, ये क्या करता है, कॉर्नर को स्मूथ और स्मूथ को कॉर्नर। जैसे मैंने कन्वर्ट ले लिया, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये स्मूथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोई पहले से मान लो स्मूथ है उस पर आपको कॉर्नर करना है तो सिंपल क्लिक कर दो, ठीक है। अगर हम क्लिक, इसे दोनों काम होंगे, ध्यान रखना, क्लिक एंड ड्रैग करोगे स्मूथ होगा लाइक दिस, आप पर्टिकुलर हैंडल को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस हैंडल से ज्यादा करना है या इस हैंडल पर एडजस्ट करना है वो भी आप इससे कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। बाकी हैंडल आप चाहो तो डायरेक्ट सिलेक्शन से भी एडजस्ट कर सकते हो, इससे भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम है कॉर्नर से स्मूथ और स्मूथ से कॉर्नर करने के लिए, अंडरस्टूड, ठीक है। बाकी फायदे मैं आगे बताऊंगा, मास फायदा क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसका एक काम तो हो गया शेप बनाने का, इसका दूसरा काम भी है मास्किंग करने का, जैसे कि प्रीमियर में था वैसे ही। कैसे, चले समझते हैं मास्किंग कैसे कर रहा है इसमें। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस ले रहा हूँ या वीडियोस ले सकते हैं, तो वीडियो की शॉर्टकट की इसमें कंट्रोल आई होती है, या फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके फाइल में इंपोर्ट फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की कंट्रोल आई है। तो अभी हम कोई भी वीडियोस ले लेते हैं यहाँ से, चले हमने ये सॉन्ग ले लिया, ठीक है। अभी क्या हो, जब सॉन्ग को इम्पोर्ट करेंगे तो कहाँ आएगा, प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर आएगा, आपको वो सिक्वेंस पे लाना है यानी कि कंपोजिशन व्यू में लाना है, तो उठा के यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो कंपोजिशन पे आ जाएगा, उसको उठा के एडजस्ट कर लो स्टार्टिंग से, अगर दिखाना है तो लाइक दिस। अभी वीडियो छोटी है, ठीक है, तो वीडियो को आप बड़ा कर लो, सिलेक्शन टूल लीजिए और इसको बड़ा कर लो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अनप्रोपोर्शनली हो रहा है, तो शिफ्ट के साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रोपोर्शनली होगा बड़ा, ठीक है, तो ध्यान रखना शिफ्ट से करना है इसको। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब हम इस पर क्या करेंगे, अभी ये वीडियो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो अब मैं पेन टूल ले रहा हूँ और वीडियो सेलेक्ट है, अब क्या होगा, ये मास्क का काम करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। कैसे, देखिए, अब मैं जैसे ही इसके पे बना रहा हूँ ना तो येलो कलर का आ जा रहा है, ये देखिए, ठीक है, समझ आ रहा। अब जैसे देखो, मैं इसके थ्रू आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, जैसे हमें क्या करना है, मैं अंडू कर रहा हूँ फिलहाल, तो ध्यान रखना वीडियो सेलेक्ट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए वीडियो सेलेक्ट नहीं है, ठीक है, और फिर आप
शेप बना रहे हैं तो क्या होगा, पेन टूल यूज कर रहे हैं तो शेप बन जाएगा, यानी अलग से एक लेयर आ जाएगी। करके दिखाते हैं आपको। तो ये अभी वीडियो सेलेक्ट नहीं है मैंने किया है, और अब मैं बना रहा हूँ तो देख सकते हैं अलग से ऑटोमेटिकली लेयर आ गई। ठीक है, तो दोनों काम है। ठीक है, अब जैसे मुझे क्या करना है, इस पार्ट को मुझे कहीं आगे भी दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को हम कटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें कटिंग के लिए क्या करना होता है, जहाँ पे वो कट लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट डी लिख लो आप लोग। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी से क्या होगा, वहां से कट हो जाएगा डी। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट डी करते ही क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से क्लिक में डिवाइड हो गया, जबकि फोटोशॉप प्रीमियर में क्या होता था कि वो उसी में ही ब्रेक हो जाता था, जबकि यहाँ पे क्या होता है, वो अलग लेयर में कट हो जाता है डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे लेयर वाइज ही होता है, एक लेयर में एक हिस्सा रहेगा, एक लेयर में दो पार्ट नहीं आएंगे कभी। तो ये अपने आप ही क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट डी करते ही डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब क्या करना है आपने इसे, जैसे यहां से हम इसको इस वाले सेकंड वाले क्लिप को मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं फ्रीज कर दूंगा, होल्ड कर दूंगा। यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेक्शन पे जाना है, सॉरी टाइम सेक्शन पे जाना है, और यहाँ से फ्रीज फ्रेम आ जाएगा। ठीक है, टाइम सेक्शन के अंदर फ्रीज फ्रेम, इसे होगा क्या, ये आगे तक के लिए फ्रीज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा, इसको सेलेक्ट किया और पेन टूल से मैं इसका बना, अभी मैंने इसे रफली बना दे रहा हूँ। अब जूम करना है, कंट्रोल प्लस इस पर क्लिक करके जो है आप जूम कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से जूम कर लो। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी जूमिंग का है, इससे भी आप जूमिंग कर सकते हैं, कितना बार आपको जूम करना है। ठीक है, ये जूम टू लेके भी आप जूम कर सकते हैं, और बड़ा करना है तो जो वन के साथ में कॉमा होता है वो आपने प्रेस करना है। ठीक है, एंड पेन टूल मैंने ले लिया है। ठीक है, लेयर सेलेक्ट है ही है, चेक कर लो, लेयर सेलेक्ट है, इसको बड़ा कर लो, यहाँ से फिट कर लो इस पर फिट। ठीक है, और बड़ा करना है वैसे नहीं, ठीक है हल्का सा और बड़ा कर सकते हैं, 50% में इतना आ रहा है, 100 में इतना आ रहा है। ठीक है, और पैनिंग वैनिंग करना हो तो हैंड टूल के लिए स्पेस होगा, इससे आप पैनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, लेयर नहीं बनी है इसका मतलब, ठीक है ओके। ये मैं स्पेस से पैनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जितना आप जूम करके वर्क करेंगे ना उतना ही फिनिशिंग आएगा बेसिकली। परफेक्ट, ठीक है, ये इस तरीके से आपका कटिंग हो चुका है। अच्छा, अब इसमें हमें एक काम और करना है, ये बीच वाला सेक्शन भी हटाना है। ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ पे ये पार्ट आ गया इसका, तो अब क्या करोगे इसको हटाने के लिए, हम एक और बनाएंगे इसी में। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और बनाना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने, इसको ओपन कीजिएगा, मास्क के अंदर, मास्क के अंदर जाना है। अब यहाँ पे मास्क के दो आ गए, पहला वाला और ये मास्क टू। मास्क टू में मैं यहाँ से क्या लूंगा, मास्क टू में आप ले लो, अभी ऐड ना सब्ट्रैक्ट ले लो। ठीक है, यहाँ से क्या लेना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतना पार्ट कट गया। अब इसको जो थोड़ा बहुत रह गया ना वो आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं पॉइंट के थ्रू मदद से, समझ आया यहाँ तक। ठीक है, तो अब इसको ऊपर आते हैं और सिलेक्शन टूल लेते हैं, बार क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसको ओपन कर दे, क्लोज कर देते हैं, एंड यहाँ से मैं करता हूँ नीचे से फिट। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो इस तरीके से आया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस तरीके से आ गया। अब आप पीछे कोई डिफरेंट कलर कुछ कंटेंट वगैरह लिखा हुआ दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, या हम इसको नॉर्मल वीडियो से भी दिखा सकते हैं। जैसा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ के लिए कुछ मैं पीछे कलर्स वगैरह दिखा रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे नीचे के लिए अलग से कलर लेना है, मैं न्यू पे जाऊंगा
और यहाँ से एक सॉलिड ले लूंगा। कैसे, खाली स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और सॉलिड ले लेंगे। कलर जो है मैं हल्का सा क्रीम टाइप में ले रहा हूँ ये, ओके ठीक है। इसको उठा के सबसे नीचे रख देंगे और इसको जो है हम जैसे यहाँ तक तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको एनिमेट करना है, एनिमेट भी करा सकते हो आप। एनिमेट करने से हम चाहते हैं कि साइड में आ जाए थोड़ा सा और टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, समझ में आ रहा है। अब हम क्या हम चाहते हैं, इसको एनिमेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, तो क्या करोगे, इसको ओपन करना है इस वीडियो को जो ऊपर वाला पार्ट है, और इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे, ठीक है। एनिमेट करने का कंसेप्ट वही सेम है, आपको यहाँ से वर्क करना है। जैसे मुझे पोजिशनिंग करनी है, स्केल करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने इसको पोजिशनिंग पे एक तो ऑन कर लिया और एक स्केलिंग ऑन कर लिया, ठीक है, कि यहाँ से ये ऑन करने करने। इसके बाद थोड़ा सा आपको आगे जाना है, लाइक अभी कितने हैं, 18 सेकंड पे है, तो मैं आ जाता हूँ 20 सेकंड पे। काफी जूम कर रखा है हमने, ठीक है। तो वाला यहाँ से जूम आउट कर सकते हो आप 18 से 20, 21 पर जाते हैं, चलो। और यहाँ मैंने इसकी एक तो पोजिशनिंग चेंज कर ली इधर की ऐसे, और थोड़ा सा स्केल बड़ा कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आप आएंगे इस तरीके से तो देखना ऐसे आएगा, जैसे आपने वीडियोस में देखते भी हो। काफी स्लो हो रहा है, थोड़ा इसका जो गैप है ना वो आपने पास में रखना है, ठीक है, ज्यादा गैप ना हो। अब ठीक है, ऑलमोस्ट, तो और हल्का सा थोड़ा और इसको फास्ट कर लो, ठीक है। यहाँ कोई टेक्स्ट वर्क क्लिप आ सकते हैं, फिर आगे जाके आप चाहते हैं कि नॉर्मल वो आ जाए, क्लिप आ जाए। तो क्या करना है, अब आपने इसको यहीं पे कट कर देना, दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट डी, आगे वाला पार्ट हटा देंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला मैंने किया था, नीचे वाली क्लिप को भी सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। जैसे इस वाली क्लिप को ना जो मैंने आगे डिवाइड किया है, इसको वो कर दो आप, अनफ्रीज कर दो वापस से।